मैंने ये वाला अगरबत्ती का सेट ऑर्डर किया था जिसमें 5 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस हमें रिसीव होने वाला था. सो दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक. एक आपको बेबी पिंक शेड मिल जाएगा, एक थोड़ा ब्राउन टोन में मिल जाएगा एंड एक आपको ट्रांसपेरेंट सिल्वर ग्लिटर सॉर्ट ऑफ मिल जाएगा. सो लुक एट दिस गाइस, दिस इज एन ऑर्गेनाइजर एंड यहाँ पर आप इसके शेड्स देख सकते हो. बहुत प्रिटी शेड्स है, तो बहुत ही प्रिटी पीस मुझे लगा है. मैं यहाँ पे क्लोजली अटैच कर रही हूँ कि लगने के बाद ये कैसा लग रहा है. सो दिस इज हाउ द विक लुक्स लाइक. Hey everyone, welcome to another episode of Meesho Random Finds. This is Shubhra and you are watching The Urban Womania. So, आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आ गई हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग येट यूजफुल अफोर्डेबल रैंडम फाइंड्स फ्रॉम मीशो. सो पहले भी मैंने काफी सारे रैंडम फाइंड्स आपके साथ शेयर किए जिसको आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आज के इस वीडियो के लिए भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कलेक्शन जरूर पसंद आए. सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट. जो फर्स्ट प्रोडक्ट मुझे आपको शो करना है इज दिस पर्टिकुलर बैग. एंड इसमें ना एनिमल प्रिंट्स बने हुए थे, वो भी इतने कलरफुल, इतने वाइब्रेंट कि आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ. सो दिस इज हाउ द बैग लुक्स लाइक. बहुत अच्छी क्वालिटी में है. अच्छी क्वालिटी एज इन इस रेंज में आपको आर्टिफिशियल पीयू लेदर देखने को मिलेगा एंड यहाँ से कुछ ओपन हो जाता है. यहाँ पे ना आपको ऐसे कट वाला शेप देखने को मिलेगा, यहाँ से टच बटन से ओपन हो जाएगा एंड अंदर आपको कुछ इतना स्पेस देखने को मिल जाता है एंड अंदर आपको यहाँ पर एक कॉइन पॉकेट भी मिल जाएगा. नाउ इसकी जो क्वालिटी है ना, अंदर एक यू नो कार्डबोर्ड जैसा फील आ रहा है, तो बहुत हाई एंड टॉप नॉच क्वालिटी नहीं है, बट इस रेंज के हिसाब से काफी ज्यादा स्टाइलिश बैग मुझे लगा है. मल्टी कलर होने की वजह से आप अपने काफी सारे आउटफिट्स के साथ इसको स्टाइल कर सकेंगे एंड यहाँ पर आपको एडजस्टेबल चेन भी मिल जाएगा, तो आप इसे एज अ शोल्डर बैग भी यूज कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि ये किसी भी कलर के साथ ना काफी अच्छे से यू नो पेयर हो जाएगा एंड आप चाहे तो इसको एज अ स्लिंग बैग भी यूज कर सकते हैं बस इस तरीके से एंड आप आराम से इसको एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर पाएंगे एंड यू कैन सी कि कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है. काफी ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा है इस प्राइस में. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस बैग. आई लव इट. नेक्स्ट पीस मैंने ऑर्डर किया था सेट ऑफ ग्लॉसेस जो कि होने वाला है माई ग्लैम के पॉप एक्सो कलेक्शन से एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. काफी ज्यादा प्रिटी मुझे लगा है. इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको काफी अच्छी क्वालिटी के लिप ग्लॉसेस मिल जाते हैं एंड ग्लॉसेस तो यू नो कि आज कितना ज्यादा भी ट्रेंडिंग में है, सबको पसंद आ रहा है एंड इसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी के ऐसे 3 ग्लॉसेस देखने को मिल जाएंगे. सो आप देख सकते हो क्लोजली मैं यहाँ पे ट्राई ऑन अटैच कर रही हूँ कि इसके शेड्स कैसे लगते हैं. एक आपको बेबी पिंक शेड मिल जाएगा, एक थोड़ा ब्राउन टोन में मिल जाएगा एंड एक आपको ट्रांसपेरेंट सिल्वर ग्लिटर सॉर्ट ऑफ मिल जाएगा. ये आपको काफी ज्यादा देर तक यू नो अगर आपको लिक करने की हैबिट नहीं है देन इसका जो स्टे है वो काफी देर तक चलेगा. सो मुझे इस प्राइस में बहुत अच्छा लगा है. आप अपने लिए भी ले सकते हो या फिर आप इसकी पैकेजिंग देखो, बहुत ही प्रिटी पैकेजिंग है, तो आप ना इसे अपने फ्रेंड्स को काफी अफोर्डेबल प्राइस में काफी अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी ये हो सकता है. तो आई रियली लाइक दिस वन, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी ना वो काफी ज्यादा यू नो फैंसी भी है, काफी यूजफुल भी है एंड मुझे काफी ज्यादा यूनिक लगा है. सो लुक एट दिस गाइस, दिस इज एन ऑर्गेनाइजर. बेसिकली दिस इज आवर इनर वेयर ऑर्गेनाइजर एंड दिस इज हाउ आई हैव रिसीव्ड. इसमें आपको कुछ इस तरीके का शेप देखने को मिल जाएगा. क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है बट इसमें आपको रैंडम कलर्स एंड रैंडम प्रिंट्स मिलेंगे. मुझे इमेज में थोड़ा डिफरेंट शो हुआ था बट मुझे ये रिसीव हुआ है. यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का जिप देखने को मिलेगा एंड व्हेन यू ओपन इट यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का कंपार्टमेंट मिलेगा. यहाँ पर आप अपनी पैंटीज को फोल्ड करके रख सकते हैं, सॉक्स रख सकते हैं या फिर आप अपने पैड्स भी यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं एंड देन इसके ऊपर हमारे जितने भी पैडेड ब्रास होते हैं जो यूजुअली ट्रैवलिंग के टाइम पे उसके दबने का, प्रेस होने का, शेप खराब होने का जो डर होता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि आप यहाँ पर अपने
पैडेड ब्रास को जब रखेंगे एंड व्हेन यू क्लोज इट, तो इस शेप की वजह से आपके पैड्स बहुत ज्यादा सिक्योर्ड रहेंगे. सो आई थिंक ट्रैवलिंग के पर्पस के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड मुझे इस रेंज में बहुत अच्छा पीस लगा है, काफी यूनिक लगा है. एंड अमेजोन में ना इसकी काफी ज्यादा हाई प्राइस मुझे दिख रही थी, मीशो पे अफोर्डेबल है तो ले लो जाके यार, मस्त है ये. नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था छोटू सा आई शेडो पैलेट. सो ऑरेंज शेड में ना मुझे ये वाला काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था आई शेडो, तो SFR कलर्स का ये आई शेडो पैलेट है जो कि मुझे कुछ इस टाइप का रिसीव हुआ है. इसकी पैकेजिंग बहुत प्रिटी है, काफी ज्यादा यू नो क्यूट सा प्रोडक्ट मुझे लग रहा है. एंड ये यहाँ पे लिखा है ऑरेंज यू ग्लैड एंड व्हेन यू विल ओपन इट दिस इज हाउ इट लुक्स. द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें आपको मिरर यहाँ पर लगा हुआ है एंड यहाँ पर आप इसके शेड्स देख सकते हो, बहुत प्रिटी शेड्स है. एंड यू नो इस टाइप का जो है ना, आप नॉर्मल मेकअप में हल्का सा इसे अप्लाई कर लो, थोड़ा सा ग्लिटर लगा लो एंड बहुत अच्छा लगता है. तो मैं आपको इसकी पिगमेंटेशन दिखाती हूँ, इट्स वेरी पिगमेंटेड गाइज. आई एम श्योर आपने SFR की कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स डेफिनेटली ट्राई किए होंगे पहले एंड इसकी जो पिगमेंटेशन होती है ना बहुत अच्छी होती है. सो लेट मी शो इट टू यू. या सी हैव अ लुक, मैंने हल्का सा टच किया एंड सुपरली पिगमेंटेड है ये. इसके साथ साथ हमें यहाँ पर ग्लिटर भी मिल जाता है. इसके ग्लिटर्स काफी चंकी हैं एंड बहुत बहुत ज्यादा प्रिटी है. या आई डोंट नो कैमरे में ये दिख रहा है कि नहीं, बट इतने अफोर्डेबल प्राइस में बहुत गो टू मस्ट पैलेट है ये. एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर आप डेडिकेटेड आई शेडो पैलेट्स या फिर मेकअप ब्रशेज, अफोर्डेबल मेकअप ब्रशेज या अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट्स का डेडिकेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं जरूर बनाऊंगी. बिकॉज ये पैलेट देख के ना मुझे ऐसे मन हो रहा है और भी नए नए पैलेट्स ट्राई करने का. सो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताओ. Hey guys, this is the Urban Vumania and आज मैं आपके साथ एक amazing product share करने वाली हूँ जो कि होने वाला है एक extremely amazing brand से, which is Zook. And I'm sure कि आपने Zook के बारे में definitely सुना होगा या अपने around पता नहीं कितने girls को Zook के bags को use करते हुए I'm sure देखा ही होगा. Yes guys, इस brand की speciality ये है कि ये vegan है, ये cruelty free है, ये हैंडक्राफ्टेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राउडली इंडियन मेड प्रोडक्ट है, पेटा अप्रूव्ड है एंड सो मच मोर गाइज. सो इसके इतने सारे प्रीमियम क्वालिटी के बैग्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया ही है प्रीवियस वीडियोस में, बट आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं उनका न्यूली लॉन्च बैग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे रिसीव हुआ है इस ब्यूटिफुल से क्यूट सी पैकेजिंग में. So guys, this is how the packaging looks like and Zook offers 100% cruelty free product jo ki proudly Indian made hai and handcrafted hai. And this is how our carry all work bag looks like. So maine ise basic shades mein purchase kiya hai, but you have multiple color and print options available. Yahan bahut pretty se branding hai. Iska jo strap hai wo kafi zyada comfortable hai and look at the space. Yahan par aapko do pockets mil jati hai, ek zipper compartment mil jata hai as well as aapko dedicated शेल्फ मिल जाएगा फॉर योर लैपटॉप. एंड यहाँ पर मेरा जो 12 इंच लैपटॉप है वो इजिली फिट हो जाता है विद फुल सिक्योरिटी. वेगन लेदर हैंड क्राफ्टेड फैब्रिक के साथ वाटर रेजिस्टेंट विद इनर लाइनिंग प्रोवाइडेड है जिसमें प्रीमियम एक्सेसरीज लगी हुई है. सो इट्स वेरी आइडियल फॉर डेली यूज, ऑफिस एंड ट्रैवल. सो आप भी फटाफट से जाकर परचेज कर लें. डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, सारी लिंक्स मिल जाएगी एज वेल एज स्क्रीन पर दिए गए कूपन कोड को यूज करने से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिल जाएगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे इतना क्यूट सा लगा है एज वेल एज यूजफुल लगा है, तो मैंने ये वाली नोटबुक देखी थी जो मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा था एंड दिस इज हाउ द नोटबुक लुक्स लाइक. सो ऊपर आपको बहुत एस्थेटिक सा ये गर्ल वाला पैटर्न प्रिंट देखने को मिलेगा एंड देन अंदर आपको 150 या 200 है पेजेस, ब्लैंक पेजेस कुछ इस टाइप के मिलेंगे. आपको जो भी चीजें नोट करनी हो आप इस टाइप के नोट पैड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. देखने में भी एस्थेटिक लगता है, आप लिखोगे तो भी मजा आएगा, अपने डेस्क पे, अपने बैग में, कॉलेज वाले बैग में अगर आप रखोगे तो भी बहुत प्रिटी लगने वाला है. या फिर बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है अफोर्डेबल प्राइस में. इसमें आपको बहुत सारे प्रिंट्स भी मिल जाएंगे, तो अगर आप कोई और प्रिंट्स भी ट्राई करना चाहते हो तो मैं नीचे लिंक डाउन कर दूंगी, आप वहां से अपने लिए चेक कर सकते हो.
नेक्स्ट आपको मैं बैक टू बैक तीन ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है. आई एम श्योर हम सबके घर में डेली यूज होने वाली चीज है ये. तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज अगरबत्ती. मैंने ये वाला अगरबत्ती का सेट ऑर्डर किया था जिसमें 5 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस हमें रिसीव होने वाला था, वो भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में. मैं यहाँ पर आपको क्लिप अटैच कर रही हूँ कि मुझे कैसे पैकेजिंग के साथ रिसीव हुआ था, बिकॉज अभी ना मैंने सबको यूज करना शुरू कर लिया है एंड सबको मैंने मिक्स करके ही अपने अगरबत्ती वाले बॉक्स में डाल दिया था मैंने. सो बेसिकली दिस इज हाउ द अगरबत्तीज लुक्स लाइक. सो बेसिकली आपको 5 डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के मिल जाएंगे एंड कुछ आपको इस टाइप का देखने मिलेगा एंड देन कुछ ब्लैक है, कुछ ब्राउन है. सो लुक्स वाइज कुछ इस तरीके का है. इतने सारे पीसेस हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना कि हर फ्रेग्रेंस के कितने पीसेस थे, बट मैं यूज कर चुकी हूँ बहुत दिन से, उसके बाद भी ये इतना अभी भी बचा हुआ है एंड कुछ और भी है शायद पैकेट में. तो अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है. आई नो कि अगरबत्ती को ऐसे स्मेल नहीं करना चाहिए, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का है. आप आग बंद करके ले सकते हो एंड आपको बहुत पसंद आने वाला है. नेक्स्ट पीस भी पूजा से ही रिलेटेड है. सो मैंने ये वाले विक्स ऑर्डर किए थे. तो शाम दिखाने के लिए यूजुअली हम ऐसे वाले विक्स हमें चाहिए होते हैं, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू ट्राई दिस. एंड मुझे ये कुछ इस टाइप के बॉक्स में रिसीव हुआ है एंड यहाँ पर यू नो लिखा है काउ घी विक्स कुछ इस टाइप के बॉक्स में. ना मैंने इसको इस बॉक्स में लाइक मेरा जो पूजा का पूजा के इस टाइप के बॉक्सेस है मेरे, तो मैंने उसमें ही इसको स्टोर कर लिया है. मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कि ये लगता कैसा है. सो दिस इज हाउ द विक लुक्स लाइक. तो ये शेप दिया हुआ है एंड यहाँ पे आपको बस ऐसे बर्न करना है. नाउ आपको इसमें लिखा हुआ है कि काउ घी का विक्स है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें ना वैक्स मिला हुआ है गाइस, प्योर घी का नहीं है. तो अगर आप घर में ही घी के दिए जलाते हो तब तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता. बट अगर आप कुछ ऑल्टरनेट देख रहे हो, कभी यू नो कुछ कुछ कॉर्नर्स होते हैं, कुछ कुछ घर होते हैं जहां रोज रंगोली बनती है, वहां पे आपको जलाना होता है, या इस टाइप के पर्पस के लिए अगर आपको चाहिए देन आप डेफिनेटली ले सकते हो. मुझे 100 पीसेस रिसीव हुआ था इस वाले प्लास्टिक वाले बॉक्स में, वो भी इस रेंज में. तो अगर आपको ऐसे विक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल ले सकते हो. एंड आप देख सकते हो कि 100 पीसेस थे, सिर्फ इतना ही बचा है, मैं इसको रोज यूज कर रही हूँ. तो मुझे तो ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा है, आप ले सकते हो. नेक्स्ट पीस भी इसी का कंटिन्यूएशन है. तो जो थर्ड प्रोडक्ट था वो भी एक पूजा आइटम ही है. तो मैंने ये वाला कपूर ऑर्डर किया था मीशो से ही. मीशो में अगर आप पूजा असेंशियल्स पे डेडिकेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा. अगर आप बोलेंगे तो ही मैं ऑर्डर करूंगी, ट्राई करके हम देखेंगे कि कैसा आता है. क्योंकि ये तीनों चीजें मुझे लग रहा था कितनी मस्त है, इतने अफोर्डेबल प्राइस में मिला है एंड तीनों ही बहुत अच्छा मिला है. तो आप कमेंट कर देना अगर आपको देखना हो और भी चीजें. हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज का रिव्यू चाहिए तो इंस्टा आईडी मेरा यहाँ है, मैं फॉलो करने नहीं बोल रही हूँ. मन हो तो करना, नहीं है तो मत करना. बट अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का आप रिव्यू देखना चाहते हैं ना, तो आप या तो उस प्रोडक्ट का इमेज या फिर कोड या फिर लिंक मुझे इंस्टा आईडी में आप शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि दी ये वाला आप रिव्यू कर देना. तो आई प्रॉमिस कि मैं ये वाले आपके सजेस्टेड प्रोडक्ट्स को जरूर रिव्यू करूंगी. ओके, कमिंग बैक. सो मैंने ये वाला कपूर सेट ऑर्डर किया था जो कि मुझे इस टाइप के पाउच में रिसीव हुआ था. अगेन एज आई टोल्ड यू, मैंने इसको इसमें ट्रांसफर कर लिया है इस बॉटल में. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमें रिसीव कैसा होता है. तो आपको ऐसे छोटे छोटे से कपूर के टैबलेट्स मिल जाएंगे. ये ना नॉर्मल कपूर हमें जो डी मार्ट वगैरह में मिलता है वो तुरंत जल जाता है, राइट. ये ना वैसे तुरंत नहीं जल रहा है, और कपूर की जितनी स्ट्रांग खुशबू होती है ना उतनी स्ट्रांग नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये आपको अफोर्डेबल तो बहुत मिल रहा है, बट थोड़ा सा ना कुछ तो मिक्सिंग किया हुआ है इसमें. एकदम प्योर कपूर नहीं है, कुछ एलिमेंट इसमें जरूर से मिक्स किया हुआ है. बट हैविंग सेड दैट, इस रेंज में आपको काफी सारा अच्छा लग रहा है. दिया में भी आप जला ही सकते हो. लाइक अगर जैसे मेरे यहाँ हर शाम को पूजा के टाइम पे हम दिया कपूर जला के पूरे घर में मैं दिखाती ही हूँ,
तो डेली बेसिस के लिए भी मुझे ये काफी अच्छा लगा है। या फिर जो कपूरदानी होता है घर पे जो हम जलाते हैं, मैंने लास्ट हॉल्स में भी दिखाया है आपको, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो। तो अगर आसपास अवेलेबल है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने घर के आसपास वाले ऑफलाइन स्टोर से ही चीजें खरीदें। पहली प्रायोरिटी हमेशा मेरी ये होती है कि आप अपने घर के अराउंड वाले शॉप्स को ही प्रमोट करें, बट इन केस अगर आसपास नहीं मिल रहा है तब फिर आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन भी चूज कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट चीज मैंने ऑर्डर किया था ये वाले फुटवेयर। रैंडम फाइंड्स का ना यही मजा है, पूजा के आइटम से डायरेक्टली फुटवेयर पे, कौन सी चीजें कब आ जाएगी यू नेवर नो। ओके, सो मैंने ये वाले फुटवेयर ऑर्डर किए थे एंड दिस इज हाउ आई हैव रिसीव्ड। बहुत ही प्रिटी लगा है मुझे, मॉव शेड है आई शुड से, एंड यू नो डेली बेसिस के लिए बहुत प्रिटी है। इसमें छोटा सा हील है एंड इसका ये जो टो है ये पॉइंटेड है, जो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। तो पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है, इसमें आपको इतनी हील देखने को मिल जाएगी। बाकी इस रेंज में आप ट्राई कर सकते हो, काफी प्रीमियम क्वालिटी का मुझे लगा है, देख के बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया था ये वाले इयररिंग्स। सो मुझे ना ये बड़े बड़े ऐसे ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग्स बहुत प्रिटी लगते हैं एंड दिस इज हाउ आई हैव रिसीव्ड। बहुत ही ज्यादा बहुत क्यूट से इयररिंग्स रिसीव हुए हैं, यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक। द ओनली थिंग इज कि मुझे ये थोड़ा डैमेज पीस रिसीव हुआ है, बैक साइड से इसका जो स्टॉपर होता है ना, एक का स्टॉपर निकला हुआ है, तो इसलिए मैं आपको वेयर करके नहीं दिखा पाऊंगी, बट यू कैन सी कि ये कैसा लग रहा है, तो मैं इसको एक्सचेंज कर लूंगी। बट लुक्स वाइज बहुत अच्छा है, बहुत प्रिटी है, काफी लाइट वेट है, जितनी बड़ी साइज है उसके हिसाब से वेट बहुत ही लाइट है इसका, तो यू कैन ट्राई दिस अगर आप बड़े इयररिंग्स ढूंढ रहे हो तो। नेक्स्ट पीस भी एक इयररिंग है, बट ये इयररिंग ना बहुत ही डिफरेंट लगा है, तो यू कैन सी इसमें काइट शेप बना हुआ था, काइट वाले इयररिंग्स बने थे ना, इसमें कुछ इस टाइप से काइट बना हुआ है एंड इसमें ये जो लेस है ये कुछ इस टाइप का है एंड यहाँ स्टॉपर में ना आपको मांझा की चक्री मिल जाएगी, तो बहुत ही प्रिटी पीस मुझे लगा है, बहुत ही क्यूट, बहुत प्रिटी इयररिंग्स है, हाईली रेकमेंडेड गाइज। इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतनी डिफरेंट चीज मिल रही है, एग्जीबिशंस वगैरह में बहुत एक्सपेंसिव हो सकती है ऐसी चीजें, बट मीशो पे नहीं, सो यू कैन जस्ट गो एंड ग्रैब दिस वन। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये स्टिक ऑन नेल्स, एंड स्टिक ऑन नेल्स मैं आजकल ट्राई कर रही हूँ मीशो से, सो ये वाला पीस मुझे शो हुआ था जो मुझे देख के बहुत प्रिटी लग रहा था एंड दिस इज हाउ द नेल बॉक्स लुक्स लाइक। मैं यहाँ पे क्लोजली अटैच कर रही हूँ कि लगने के बाद ये कैसा लग रहा है एंड क्लोजली भी आपको दिखा देती हूँ मैं। सो आपको इसके अंदर ये वाले ग्लू डॉट्स मिल जाएंगे एंड आपको यहाँ पर बफर भी मिल जाता है छोटू सा क्यूट सा। दिस इज हाउ द नेल लुक्स लाइक। इसकी जो साइज है ना वो थोड़ी ज्यादा बड़ी है आई शुड से, इतने बड़े नेल्स बहुत नेचुरल से नहीं लगते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसको परचेस कर लो एंड अपने नेल के हिसाब से इसके लेंथ को कट करके आप शेप दे दो। बट ये जैसा आया है एज इट इज मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, सो क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्रे एंड सिल्वर शेड में इसका जो है ओवरऑल प्रिंट है जो देखने में बहुत प्रिटी लग रहा है एंड बहुत अफोर्डेबल प्राइस में, क्वालिटी टॉप नॉच है। सो स्टिक ऑन नेल्स अगर आपको चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस, बहुत प्रिटी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक बहुत ही एस्थेटिक सा ऑर्गेनाइजर। सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑर्डर्ड। ये ट्रांसपेरेंट शेड में ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है जो कि मुझे कुछ इस तरीके का रिसीव हुआ है, एक्रेलिक मटेरियल है एंड यहाँ पे जब आप इसे ओपन करोगे तो यू कैन जस्ट सेपरेट दीज ट्रेज, लाइक एक ही ट्रे है, यू कैन सेपरेट दिस। यहाँ पे आप अपने छोटे से स्टार्स, इयररिंग्स या फिर रिंग्स वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हो एंड यहाँ पे अंदर आपको थोड़े ब्रॉडर सेपरेशंस मिल जाते हैं टू यू नो कीप योर लार्ज इयररिंग्स और ब्रेसलेट्स और चेन्स, नेक पीसेस एंड ऑल दैट। सो ये काफी ज्यादा अच्छा लगा है मुझे इस प्राइस में, क्वालिटी इज अमेजिंग एंड इसमें आपको और कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। मुझे ये इतना अच्छा लगा है कि मैं और भी पीसेस इसके ऑर्डर करने वाली हूँ। इसमें आपको सेट ऑफ टू भी मिल जाता है, मैंने सेट ऑफ टू मुझे ट्राई करना है तो वो भी मिल जाता है एंड आई एम सुपर सैटिस्फाइड विद दिस वन, इट्स अमेजिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, सो मुझे तीन आपको
क्लोथिंग आइटम शेयर करने हैं, तो एक एक करके दिखाती हूँ. फर्स्ट है दिस क्रॉप टॉप. नाउ व्हाइट क्रॉप टॉप इज समथिंग जो हम सबको हमेशा ही यूज पड़ता है. तो आई ऑर्डर दिस वन एंड दिस इज हाउ आई हैव रिसीव्ड. बहुत ही प्रिटी है. यहाँ शोल्डर पे आपको कटआउट देखने को मिल जाता है. द ओनली थिंग इज कि ये साइज मुझे छोटी हो गई है, तो मैं ट्राई ऑन इसका नहीं दे पाऊंगी. द रीजन बीइंग कि मेरा साइज एल है, मैंने एल ही ऑर्डर किया था, बट मुझे ना ये बहुत टाइट लग रहा है. तो आपको अपने साइज के आई वुड सजेस्ट कि अगर मीडियम या लार्ज आपका साइज, तो आप अपने साइज से एक साइज अबव ही ऑर्डर करिएगा. अदरवाइज क्वालिटी बहुत अच्छी है. इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा थिक मटेरियल है, सो सी थ्रू नहीं है ये. सो आई रियली लाइक दिस वन. द ओनली थिंग इज कि मुझे साइज इश्यू हो गया. नेक्स्ट पीस इज समथिंग जो समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं. समर्स में यू नो फ्लोरल शॉर्ट ड्रेसेस लूज लूज से बहुत ही प्यारे लगते हैं. सो दैट्स व्हाई आई ऑर्डर्ड दिस ड्रेस एंड दिस इज हाउ आई हैव रिसीव्ड. नाउ यू कैन सी बहुत ही प्रिटी है. इसका फ्लेयर इतना ज्यादा प्यारा है एंड यू नो यहाँ पर आपको ऑफ शोल्डर पैटर्न देखने को मिल जाएगा. बैक साइड से एंड फ्रंट साइड से कुछ इस टाइप का है. स्लीव्स इसका थोड़ा बलून वाला पैटर्न लगा है मुझे एंड समर्स के लिए मुझे ये बहुत ही ज्यादा एप्रोप्रिएट लगा है. आई रियली लाइक दिस वन. फिटिंग बहुत अच्छी आई है एंड क्लोदिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी. आप इसको कितना भी वॉश करोगे, इसका मटीरियल ऐसा है कि ये फेड नहीं होने वाला है. काफी रफ टफ यूज के लिए है. सो आई रियली लाइक दिस वन. अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो. मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल एंड इट इज दिस ओवर साइज टी शर्ट. एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं ओवर साइज टी शर्ट्स का एक डेडिकेटेड वीडियो करूँ. ओनली इफ अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दो. अगर ओवर साइज टी शर्ट देखना चाहते हो तो मैं 15-20 टी शर्ट्स मंगवा के एक बड़ा सा हॉल आप लोगों के लिए जरूर शेयर करूंगी, बट कमेंट्स करना पड़ेगा. सो कमिंग बैक, मैंने ये वाला टी शर्ट ऑर्डर किया था. बहुत ही ब्राइट पिंक कलर का टी शर्ट था एंड मुझे देख के बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा था. सो दिस इज हाउ द टी शर्ट लुक्स लाइक. देख सकते हो आप, काफी ओवर साइज है. क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है. प्योर कॉटन नहीं है इसमें, कॉटन में मिक्स है मटेरियल थोड़ा, तो हल्की गर्मी लग सकती है, बट ओवरसाइज होने की वजह से ना काफी ज्यादा यू नो ब्रीदेबल है इसका मटेरियल. एंड यहाँ पे व्हाइट कलर के आपको कोटेशंस मिल जाएंगे. सो मुझे ये बहुत ही प्रिटी लगा है. मेरा साइज एल है तो मैंने एक्सएल ऑर्डर किया है. मुझे अच्छा खासा ये लूज है. अगर आपको बहुत बैगी चाहिए तो दो साइज अप ऑर्डर करना एंड सेम साइज मत ऑर्डर करना. जो भी आपकी साइज है एक साइज अप ही ऑर्डर करना है फॉर लूज फिट. एंड अगर आपको बहुत लूज चाहिए तो दो साइज अप कर सकते. सो यार गाइस, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. इवनिंग हो चुकी है शूट करते करते एंड बच्चे के खेलने का टाइम है. सो लेट देम एंजॉय. मीनवाइल आपको आज का ये कलेक्शन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताना. एक अच्छी सी स्माइल के साथ लाइक कर देना अगर आपको कोई भी चीज पसंद आई हो तो. एंड प्रीवियसली भी मैंने बहुत सारे रैंडम फाइंड्स शेयर किए हैं आपके साथ. अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगी, वो भी जरूर देख लेना. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आपको जो भी पसंद आए आप आराम से सोच समझ के अपने पैसों को सही जगह पे ही इन्वेस्ट कर लीजिएगा. इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में. टिल देन साइनिंग ऑफ.